और मैं तो हैरान हूं, इस चुनाव का प्रभाव मैं बच्चों के मन पे देख रहा हूं। मैं पिछले दो चार दिन में सोशल मीडिया पे मुझे कुछ लोगों ने बच्चों के वीडियो भेजे हैं, राजस्थान की छोटी छोटी बेटियां, छोटे छोटे बच्चे, और वीडियो में ये बच्चे कह रहे हैं, गहलोत जी कौन ही मिले वोट जी। गहलोत जी कौन ही मिले वोट जी, बच्चे। और जब बच्चों में ये भाव, और शायद सैकड़ों वीडियो चलते होंगे, ये साफ बता रहा है कि बच्चे भी अपना भविष्य कांग्रेस के हाथ में सुरक्षित नहीं देख रहे हैं। राजस्थान के लोग इसलिए गुस्सा है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के राज में सिर्फ तबाही देखी। कांग्रेस राजस्थान को फिर से बीमारू राज्य बनाना चाहती है। कांग्रेस के नेता सिर्फ अपनी तिजोरी भरती रहे, राजस्थान की जनता को वो भूल गए। कांग्रेस ने चंबल रिवर फ्रंट में कैसे कैसे घोटाले किए हैं वो भी आपसे छिपा नहीं है। लोगों पर दबाव बनाकर कांग्रेस ने जिन घंटों को जबरन खुलवाने की कोशिश की, उसने एक गरीब मजदूर और एक इंजीनियर का जीवन छीन लिया। आज लोग खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि गहलोत सरकार 25 नवंबर को वोटिंग वाले दिन एक घंटा खुलवाने का दबाव डाल रही थी। राजस्थान में बनने वाली भाजपा सरकार ना सिर्फ इस हादसे की जांच करवाएगी बल्कि सबको न्याय भी सुनिश्चित करेगी। मेरे परिवारजनों, यहां हम लोग बड़े गौरव के साथ माथा ऊंचा करके कहते हैं, दाल बाटी चूरमा, हाड़ोती के सुरमा। लेकिन सुरमाओं की इस धरा को कांग्रेस ने दंगाइयों का खुला मैदान बना दिया है। पीएफआई एक आतंकी संगठन है। भारत सरकार ने इस पर बैन लगाया है, प्रतिबंध लगा हुआ है, वो गैर कानूनी है। लेकिन कोटा में पीएफआई की रैली निकलती है, जुलूस निकलता है, और कांग्रेस सरकार क्या कर रही है? सोई पड़ी है। तुष्टिकरण की गुलाम कांग्रेस सरकार आतंक परस्तों से डरती है और राजस्थान का भला चाहने वालों पर, जिनको मान सम्मान देना चाहिए, जिनका गौरव करना चाहिए, उन पर कार्रवाई करती है। यहां राजस्थान में रामनवमी के, हनुमान जयंती के जुलूस रोके जाते हैं, पावन त्योहारों में कर्फ्यू लगाए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के शासन में
आतंकी संगठन पीएफआई की रैली पूरे शान से पुलिस बंदोबस्त के साथ कराई जाती है, ऐसी कांग्रेस सरकार जितने दिन यहां रहेगी उतना ही राजस्थान का नुकसान होगा। मेरे परिवारजनों, भाजपा की प्राथमिकता महिला सशक्तिकरण है, वहीं कांग्रेस की प्राथमिकता महिलाओं का अपमान है, महिलाओं पर अत्याचार है। यहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान की महिलाएं बलात्कार के, रेप के झूठे आरोप लगाती है। मैं जरा माताओं बहनों को पूछता हूं, क्या ये कभी संभव है? क्या कोई बहन इस प्रकार की शिकायत करने के लिए खुले में जाए, ये संभव है क्या? मैं जरा भाइयों से पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में कहीं पर भी ऐसा हो सकता है क्या? ये देश की माताओं बहनों पर राजस्थान सरकार का गंभीर आरोप है। ये देश की माताओं बहनों के संस्कार पर उन्होंने कलंक लगाने की कोशिश की है। मेरी माताएं बहनें, आपके सम्मान पर इस प्रकार की चोट करने वाले कांग्रेस को एक पल भी रहने का अधिकार नहीं है। और मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री कहते हैं राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, और इसलिए वो तो ऐसे प्रमाण पत्र दे रहे हैं जैसे बहनों बेटियों पर अत्याचार करना अत्याचारियों का अधिकार है। कांग्रेस की मंत्री की ये हरकत, मैं जरा राजस्थान के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, मैं राजस्थान के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? क्या कोई नारी का अपमान करे उसे कोई मर्द कहता है क्या? कोई नारी की बेइज्जती करे उसे कोई मर्द कहता है क्या? जो नारी के सम्मान को लूटे उसे कोई